हेडलाइंस पर। भावना कस्तूरी आर्मी की पहली वो महिला ऑफिसर जो गई पुरुषों के दल को। 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम जयराम ने किया ध्वजारोहण, सोलन वासियों को दी कई सौगातें। गणतंत्र दिवस स्पेशल, नतारी बदली नामों का, बदल गए लोग, सरकार में आ गए ये बदलाव। अब देखते हैं आगे विस्तार से। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी भारतीय सेना की पहली ऐसी महिला है जो आजादी के बाद पहली बार 144 पुरुष सैन्य दल की परेड को लीड करेंगी। 26 साल की भावना हैदराबाद की है, उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल की है। भावना पढ़ाई में तो अच्छी है ही, इसके साथ साथ डांस और गाना गाने में भी अच्छी है। आजादी के 71 साल बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भावना पहली वो महिला बन रही जो 144 पुरुष सैन्य दल की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। सोलन, हिमाचल प्रदेश आज अपना 49वां राज्यत्व दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के कुनिहार में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और फिर परेड की सलामी ली। नई दिल्ली, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक बीते सालों में देश ने बहुत से बदलाव देखे है। 26 जनवरी को देश 70वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, लेकिन ये बदलाव उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा जिन्होंने नेहरू से लेकर मोदी तक की पीढ़ी को बड़े करीब से देखा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।